किसी के भी बारे में बुराई कर सकते हैं, फ्रॉम सलमान खान टू शाहरुख खान टू सोनम कपूर, बट वी कांट टॉक अबाउट द महारानी. सो हू शी? सोनम, आई एम सॉरी, सोनाक्षी सिन्हा. या सो एनीबडी इज आस्किंग मी क्वेश्चन टू गेट मी स्टार्टेड. मुझे ही पूछना चाहूंगा आपसे, मतलब बिग बॉस में आपने एंट्री के फिर फिल्मों में हाथ आजमाया, अभी प्रोड्यूसर हाउस, क्या खास वजह क्या है? Well, actually, I started off as a model and an anchor. In fact, कोई ऐसा सैटेलाइट चैनल है नहीं जिसके लिए मैंने एंकरिंग नहीं की है. मेरा फर्स्ट शो था पब्लिक या बोला, सोनी टीवी पे, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी उन्होंने मुझे वहाँ से स्काउट करके पिकअप किया था. देन आई हैव डन चैनल वी, आई हैव डन लाइक अ लॉट ऑफ चैनल्स. फिर उसके बाद आया ईरा रियलिटी टेलीविजन का, सो आई डिड क्वाइट अ कपल ऑफ रियलिटी शोज, फ्रॉम बिग स्विच टू बिग बॉस टू वेलकम बारी नवाजी की. एंड अराउंड 4 to 5 ईयर्स बैक आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन हाउस, पूजा मिश्रा प्रोडक्शंस. हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट था NDTV गुड टाइम्स के साथ, जिन्होंने हमें असाइन किया था एक वेब सीरीज बनाने के लिए जिसका नाम है लव सूत्रा. यू कैन इवन फाइंड इट ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. So we invested a lot of passion, a lot of money, a lot of time, a lot of efforts to make this web series. Jaise hi ban ke taiyar hua, NDTV suddenly backed off. Now I want to know why. That's because my email account is hacked. And in case you didn't know, I have a high court case going on in Bombay under the IT Act of 2000, wherein hacking somebody's email account without informing them is liable to imprisonment. तो जिसने भी ये किया है मेरा कॉन्ट्रैक्ट जानबूझ के तोड़वाया, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी मी प्रॉस्पर इन माय करियर. वेल आई जस्ट वांट टू नो हु आर दीज पीपल, हु आर दीज पीपल, राइट? आपको भी लग रहा होगा कौन है ये लोग जो पूजा जी के पीछे हाथ धो के पड़े. आई कम टू दैट. उसके बाद मैंने एक कुकरी शो बनाया, डीकंस्ट्रक्टिंग इंटरनेशनल क्विजीन विद सिंपल इंडियन इन्ग्रीडियंट्स, जिसमें यू वॉन्ट बिलीव इट, पायलट बनाने में मेरी ऑलमोस्ट जान निकल गई. आई हैड पेन इन माई लंग्स, आई वॉज सिक, आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू फेंट. आई हैड टू गो एंड गेट अ मेडिकल चेकअप वंस आई वाज फिनिश विद द एडिट, क्योंकि मैंने ना सिर्फ उसे डायरेक्ट, प्रोड्यूस, एंकर, एडिट, VFX सब खुद किया, राइट? बस मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उसे YouTube पे डाल के अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक Facebook एंड Twitter पे शेयर कर दिया. बिकॉज द नेक्स्ट थिंग आई नो, कलर्स, विच इज़ लाइक अ रियलिटी शो बेस्ड चैनल, सीरियल बेस्ड शो चैनल, प्राइम टाइम पे एक TV शो लेके आया जिसका नाम था वीडियोकॉन प्रेजेंट्स फराह खान की दावत. सो यू गेटिंग इंस्पायर्ड बाई मी? वेयर इज माई रॉयल्टी? वेयर इज माई क्रेडिट, राइट? तो आप समझ सकते हैं वीडियोकॉन काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है मेरे डाउनफॉल में. तो मेरा शो इन्होंने मेरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे देखा और इन्होंने एक उसी तरीके का शो फराह खान के साथ प्राइम टाइम कलर्स पे डाल दिया. व्हाट डू दीज पीपल थिंक, कि ये कब तक मेरी लाइफ को मोनोपोलाइज कर सकते हैं? आर दे इन्वेस्टिंग इवन एन आयोटा इनटू माय प्रोडक्शन हाउस मॉनेटरली? सो फॉर मी यू आर नेग्लिजिबल, यू आर जस्ट एन एप हु इज कॉपिंग माई आइडियाज विदाउट गिविंग मी रॉयल्टी और क्रेडिट. एंड दैट्स व्हाई दे हैव इन्यूमरेबल केसेस अगेंस्ट देम इन बॉम्बे हाई कोर्ट. Coming back to what I did after this show, which was अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं lifestyle based show जो 3 महीने तक E24 Bollywood News Channel पे चला, April 2016 से लेके June 2016 में. So who owns E24 anyways? Well, Mr. Rajiv Shukla. Who's he? Well, he's the same gentleman who's in the circle of friends with my father, the Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai, Director of Investigation. और मेरे ही फादर ने उनके बेटे अभिनव शुक्ला का एडमिशन कराया था सिम्बायोसिस कॉलेज में पुणे में. सो आई वुड इमेजिन इज इंडेटेड टू माय फैमिली. तो हम लोग जब उन्हें चेक देते थे और अपना शो चलाते थे, हमारे शो में एक सेगमेंट था फैशन पुलिस करके, जिसमें हम सबका मजाक बनाते थे, मस्ती करते थे, रेड कार्पेट लुक्स को कभी प्रेज करते थे, कभी मॉक करते थे. तो हम किसी के भी बारे में बुराई कर सकते हैं, फ्रॉम सलमान खान टू शाहरुख खान टू सोनम कपूर, बट वी कांट टॉक अबाउट द महारानी. सो हू शी? सोनम, आई एम सॉरी, सोनाक्षी सिन्हा. क्या सोनाक्षी सिन्हा वहाँ चेक दे रही थी? एब्सोल्युटली नॉट. तो उनकी ये क्या मोनोपोली है जिसके अंदर मुझे दब के रहना पड़ रहा है? आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज टू सकम. दिस पीपल हैव रॉब्ड माय शो स्टॉपर्स, अलाइक मी इंडिया फैशन वीक. दे हैव रॉब्ड माय, यू नो, टीवी एड्स, दे हैव रॉब्ड माय प्रेस माइलेज, दे हैव डीफेम मी. मेरे इतने सारे बदनामी वाले वीडियो इन लोगों ने वायरल किए हैं, तो इन लोगों का हक क्या है मेरी जिंदगी में? ये लोग कभी मेरे फादर के फ्रेंड होते थे, मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा और ये वीडियो कॉन के VN दूत, तो ये लोग कब तक मेरे सर पे एक सांप की तरह कुंडली जमाए बैठे रहेंगे? आई रिफ्यूज फॉर यू ऑल टू कंटिन्यू मोनोपोलाइजिंग माई लाइफ, बिकॉज यू आर नथिंग फॉर मी. यू माइट बी
a friend of my father's, and to put it more appropriately, someone my father indebted. So kindly back off from my career, because I will not tolerate this anymore. In fact, सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म जो मैंने की थी वो शत्रुघ्न सिन्हा प्रोडक्शंस का एक आइटम नंबर था जिसे उनकी वाइफ प्रोड्यूस कर रही थी. मैंने सोचा कि मैं बॉलीवुड में पहला कदम रख रही हूँ. मुझे क्या पता था मैं अपनी कब्र खुद ही खोद रही हूँ, क्योंकि उस समय सोनाक्षी तो डिज़ाइनर बनने वाली थी ना, NIFT का कोर्स वर्स कर रही थी. तो मुझे देख के उन्हें इतनी जलन हुई कि वो भी आ गई फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? एंड दैट्स अ फैक्ट. And after that, when I was offered the Bhagwan, as in I got a call from Arbaaz Khan's secretary, and I myself refused the offer because they were every night. My father, 2005, mein retire hoke Pune chale gaye. Unhone mujhe Videocon guest house mein rukne ke liye chhod diya, thinking it's safe and sound, which it absolutely was not. Har raat aake, thak haar ke, main shoot, auditions, meetings ke baad jab sone jaati thi, ye log upar wale kamre mein baith ke kaale jadoo ki kriyaye karte the. मैं 4 बजे सुबह उठती थी और मेरे को शमशान की हड्डियां बचती हुई सुनाई पड़ती थी मेरे रूफटॉप में. सो हु वाज डूइंग दिस नॉनसेंस? इट वाज ऑब्वियसली मिसेस पूनम सिन्हा एंड वी अंधूत वर्किंग इन कोलैबोरेशन. सो वेरी ऑनेस्टली आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज पार्टीज एंड हिज सन अनिरुद्ध धूत. लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट हिम. आई डोंट इवन नो हु ही इज. वेरी ऑनेस्टली आई हैव नेवर इवन मेट हिम. एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो, मैं जब अपनी मीटिंग्स के लिए निकलती थी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए, शो डायरेक्टर से मिलने के लिए, वो अपना एक PA मेरे पीछे लगा देते थे कि किस किस से मिल रही है. फिर उसके नंबर प्रोक्योर करके 2 दिन बाद उन्हें फ़ोन करते थे कि वीडियोकॉन के साथ प्लीज़ इवेंट करो. तो आप कर क्या रहे हो, मेरे को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? वेल आपका यू नो आई कॉन्ट हैंडल योर वेट ऑन माई शोल्डर्स एनी मोर, बिकॉज यू ऑल आर ब्लडी ऑपर्चुनिस्ट क्लाइंबर्स. आई गॉट नथिंग टू डू विद यू. यू माइट बी माई फादर्स फ्रेंड, कीप योर फ्रेंडशिप रिस्ट्रिक्टेड टू हिज लाइफ, नॉट माइन एनी मोर. क्योंकि मैंने हाईकोर्ट में इन सब के खिलाफ केसेस डाल रखे हैं, और अगर ये बाज नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस जा रहा है. जब वहाँ के ऑर्डर्स पास होंगे तो इन्हें मान के या अनमान के बैक ऑफ करना ही पड़ेगा. कमिंग बैक टू माई फिल्म, मेरे TV शो के बाद आई डिसाइडेड टू मेक अ बॉलीवुड फिल्म कॉल जड़. और उसमें मेरा एक गाना, ये जो आपने सुना, DJ शेजवुड ने किया है. उन्होंने मेरे को एक डायरेक्टर से मिलवाया जिनका नाम है नवीन बत्रा, जिन्होंने एक फिल्म सुपर मॉडल के नाम से पहले भी की है. उसके प्रोड्यूसर रवि अलावत मेरे दोस्त हैं. आज सुबह मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा, माई गॉड मैडम, आपने किस एसहोल को ले लिया ऑन बोर्ड, ही इज़ मेड मी क्राई टीयर्स ऑफ ब्लड. तो इसमें गलती किसकी है, मोनोपोली किसकी है? Obviously, जिसने DJ शेजवुड को मेरी तरफ भेजा, who was that? अनिरुद्ध धूत में भी? You got it. He's a psychotic asshole. So coming back to the point, तो नवीन बत्रा ने कम से कम over 5 lakhs मुझे बिल किया. जयपुर में वेकेशन चाहिए, इगतपुरी में वेकेशन चाहिए, साइनिंग अमाउंट चाहिए. He took all that and he just vanished. So I put a complaint in Western Producers Association, IFDA, CINTA, Federation, and all the other multiple organizations that are there to safeguard my interests. और ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक कठपुतली है, क्योंकि मास्टर पपेटियर्स का तो मैंने शायद आपको नाम ऑलरेडी बता दिया, सिन्हाज एंड दूत्स. सो आई वांट देम टू बैक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई हैव कॉल्ड फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. एंड बाय द वे, पीपल आस्क मी, पूजा, यू बीन सिंगल फॉर एवर? अपेरेंटली नॉट. रात को जब ये लोग ऊपर बैठ के तंत्र मंत्र करते थे मेरे ऊपर, मेरे पे खबीज जिन्नाद जिन छोड़ छोड़ के मेरे को डिल्यूजनर इन लोग ने कर दिया था. मेरे को बदनाम करते रहते थे, मेरे को चाबी भर भर के इन जिन्नादों के थ्रू. एंड दे शुड कीप ऑन सेंडिंग मी दिस रियली सेक्सुअल डर्टी फिल्दी पोर्नोग्राफिक फोटोग्राफ्स ऑन फेसबुक, विच बाय द वे इज लायबल बाय द हाई कोर्ट टू इम्प्रिजनमेंट, राइट? और हर जगह जाके बोलते थे हमारे साथ है. मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ईमान और अपने भगवान के साथ हूँ. और ईमान की तो बात भी मत करना, क्योंकि आप लोगों में एक आउंस ईमान का नहीं है, एक आउंस सेल्फलेसनेस का नहीं है. क्योंकि मेरी इन पिछले 13 साल की मेहनत पे ही आप लोग आज यहाँ हो. एंड द होल वर्ल्ड नोज दैट. आफ्टर स्टीलिंग ऑल माई वर्क, स्टीलिंग ऑल माई कॉन्टैक्ट्स एंड केजिंग मी अप. ओ बाय द वे, पूजा मिश्रा को उस पार्टी में मत जाने देना, वो फाइनेंसर, वो स्पॉन्सर है, उसे सोनाक्षी से मिलाना, सनी लियोनी से मिलाना, पूजा मिश्रा से मत मिलाना, क्योंकि फिर वो उसे फाइनेंस कर देगा, वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी, हम कहाँ रहेंगे? हु इज दिस? पूनम सिन्हा एंड वी अंधूत. सो बैक ऑफ, इट्स अबाउट टाइम, बिकॉज आई एम टेकिंग योर नेम्स एंड आई एम डिक्लेयरिंग वॉर. यू बेटर बैक ऑफ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट इनफ केसेस अगेंस्ट यू, एंड आई एम पुटिंग वन इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल. आई एम जस्ट अबाउट सैचुरेटेड विद योर नॉनसेंस. यू ऑल हैव रब्ड मी ऑफ ऑल माई सेविंग्स, यू ऑल हैव एक्सप्लॉइटेड मी फिजिकली एंड मेंटली, यू ऑल हैव रुइंड माई करियर एज वेल एज माई पर्सनल लाइफ. सो इट्स अबाउट टाइम यू गॉट द मैसेज स्ट्रेट एट योर फेस. Back off.
थैंक यू. Are they all filling that form? Make them fill the form now. So how did you all like the song? Nice? Yeah. It's gonna rock. It's not gonna be nice. ये किसी की 20 साल की आग है जिसे दबा के रखा गया है. That's how insecure people are in this industry. Bloody servants. क्या बोल रहे हैं? Photographs? Can I just change my, with my driver, maybe, I want my shoes.